हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीकेएस मास्टरी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज 5 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 मई। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार शरद ऋतु में और दूसरी बार वसंत ऋतु में। अगला खगोल विज्ञान दिवस 26 सितंबर 2020 को मनाया जाएगा। यह दिन उत्साही और पेशेवर द्वारा आम जनता के साथ अपने ज्ञान और बाहरी स्थान के प्यार को साझा करने के लिए जताया जाता है। चलिए अब आपको मई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिविजन कराते हैं। 1 मई को था इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 2 मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीकेएस मास्टरी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, न्यायिक सदस्य भारत के लोकपाल न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का किस बीमारी के कारण निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरोना वायरस। न्यायिक सदस्य भारत के लोकपाल न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद निधन हो गया। इन्होंने मार्च 2019 में भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली थी और भारत के लोकपाल संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी अर्थशास्त्र में स्नातक थे और कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की थी। इन्होंने 2006 में पटना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में और 2007 में उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। चलिए अब आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे अजय कुमार त्रिपाठी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस देश की क्रिकेट ने वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने वार्षिक न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार एनुअल न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार प्रस्तुत किए गए। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को पुरुषों के एक दिवसीय खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया। कुछ और पुरस्कारों की बात करें तो एनुअल न्यूजीलैंड इंटरनेशनल वुमेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो सूजी बेट्स, ओडीआई प्लेयर ऑफ द मेंस की बात करें तो केन विलियमसन, वुमेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो सोफी डेवाइंस और मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो रॉस टेलर। चलिए अब आपको न्यूजीलैंड के बारे में आते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डर्न, मोनार्क हैं एलिजाबेथ द्वितीय जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, नेशनल डे 6 जनवरी, बिगेस्ट लेक है ताउपई लेक, हाइस्ट माउंटेन है और रॉकी माउंटेन कुक, नेशनल पोर्ट रग्बी, बर्ड है कीवीज, फ्लावर है कोवाई, फर्स्ट पर्सन जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे सर एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से ही हैं। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में न्यूजीलैंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस विश्व स्नूकर चैंपियन ने संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीटर एडबर्न। विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एडबर्न ने पेशेवर स्नूकर से संन्यास लेने की ऐलान कर दिया है। इन्होंने गर्दन और पीठ की चोटों के चलते संन्यास लेने की घोषणा की है। पीटर एडबर्न ने 2002 में स्टीफन हैंडी को फाइनल के रोमांचक मुकाबले 18-17 से हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी। वे 29 साल के अपने पेशेवर कैरियर में रिकॉर्ड 2 बार चैंपियनशिप में रनर अप भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 2006 में यूके चैंपियनशिप भी जीती थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं पीटर एडबर्न जिन्होंने हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप से संन्यास की घोषणा की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने चल रहे राष्ट्रीय लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी के बीच आशाओं को बनाए रखने के लिए हैज़ हम हार नहीं मानेंगे नामक एक गीत जारी किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने चल रहे राष्ट्रीय लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी के बीच आशाओं को बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे नामक एक
गीत जारी किया। गाने के बोल प्रसून जोशी ने लिखे और संगीत AR रहमान ने तैयार किया। HDFC बैंक ने घोषणा किया कि यह गाना PM केयर्स फंड की ओर सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किए जाने पर प्रत्येक बार 500 रुपये का योगदान देगा। हेडक्वार्टर ऑफ HDFC बैंक की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC हैं आदित्य पुरी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार एवं लेखक का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए RV स्मिथ। प्रख्यात इतिहासकार लेखक और कॉलम लिखने वाले रोनाल्ड VN स्मिथ का निधन हो गया। उनका जन्म 1938 में आगरा में हुआ था और वे 1950 के दशक में दिल्ली आए और 1961 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में काम करना आरंभ कर दिया था। रोनाल्ड VN स्मिथ ने लगभग 1 दर्जन से किताबों को लेखन किया है जिनमें से ज़्यादातर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर आधारित है। दिल्ली पर लिखी गई उनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ ए सिटी और द दिल्ली दैट नो वन नोज ट्रू क्रॉनिशियर ऑफ दिल्ली। बात करें इन्होंने हालन पुरस्कार और माइकल मधुसूदन अकादमी से सामान्य ज्ञान और पत्रकारिता पुरस्कार 1997-98 के रोटरी अवार्ड भी जीता था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे RV स्मिथ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस देश ने COVID-19 के चलते गीत को चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने COVID-19 दिशा निर्देशों के तहत गीत पर साइन लाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट ने डॉक्टरों के परामर्श के बाद गीत को चमकाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने और वाले दिशा निर्देशों को जारी किया है। चलिए अब आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। प्रेसिडेंट है स्कॉट मॉरिसन। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेशनल है 26 जनवरी। हाईस्ट माउंटेन माउंट कोशिशको। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया को गेम्स ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। नेशनल गेम है क्रिकेट। बर्ड है इमू। फ्लावर है काका पैखना था और एनिमल है कंगारू। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में ऑस्ट्रेलिया। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में भारतीय मूल की किस छात्रा ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है यानी सजेस्ट किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वनीजा रूपाणी। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर इन ग्विनिटी का नाम रखने का श्रेय भारतीय मूल की 17 वर्षीय छात्रा वनीजा रूपाणी को दिया गया। इन्होंने नासा की नेम द रोवर प्रतियोगिता में अपना निबंध जमा किया। नॉर्थ पोर्ट अल्बामा के हाई स्कूल जूनियर की छात्रा रूपाणी ने अपने निबंध में हेलीकॉप्टर के लिए इनग्यूनिटी नाम सुझाया जिसे नासा द्वारा स्वीकार किया गया। नासा ने मार्च 2020 में घोषणा की थी कि मंगल पर जाने वाले उसके अगले रोवर को प्रिजर्वरेंस नाम दिया जाएगा। प्रिजर्वरेंस और इनग्यूनिटी को जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाना है जिसके फरवरी 2021 में मंगल पर पहुँचने की संभावना है। इनग्यूनिटी किसी दूसरे ग्रह पर संचालित उड़ान का प्रयास करने वाला पहला विमान होगा। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं वनीजा रूपाणी जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने आइडियाथन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। 2 मई 2020 को जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन के लिए राष्ट्रीय मिशन और शहरी मामलों के संस्थान NIUA ने आइडियाथन को नदी प्रबंधन का भविष्य शीर्षक दिया। आइडियाथन की बात करें तो COVID-19 महामारी निम्न लॉकडाउन और नदी प्रबंधन पर इसके प्रभाव से सीख का मंथन करने की मांग है। इसका उद्देश्य शहर के शहरी नियोजन ढांचे में नदी प्रबंधन की मुख्य धारा को बढ़ाना है। इस चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना यानी कि NSTMIS रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशन में किस स्थान पर है? पहले तो आपको NSTMIS का फुल फॉर्म बताते हैं, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। बात करें तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने अनुसंधान और विकास सांख्यिकी और संकेतक द्वारा 2020 पर एक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत वैज्ञानिक प्रकाशन में देशों में तीसरे स्थान पर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
हाल ही में किसने पहली बार 4 मई को गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के आवासीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 मई को गुट निरपेक्ष आंदोलन के एक आवासीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ उनकी लड़ाई में सदस्य राज्यों के समन्वय को बढ़ाना है। यह समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हिस्सा लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहने वालों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहने वालों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यालय खोलने और फिर से काम शुरू करने के बारे में भी दिशा निर्देश जारी किए। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ, पश्चिम गोविंद वल्लभ पंत, फर्स्ट गवर्नर सरोजनी नायडू। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। स्टेटरी की बात करते हैं अशोका, फ्लावर प्लास, एनिमल स्वाइम डियर, बाढ़ सारा स्क्रीन, मैन डैंस, कथक रासलीला, चोली नौटंकी और चिरकुला। मेन रिवर है बेतवा, सरजू, चंबल और केन। नेशनल पार्क है दुदुभा, पीलीभीत, डैम से रिहंद, माता टीला और राजघाट। उत्तर प्रदेश से सटे राज्य के बाद मध्य राजस्थान वेस्ट में, हरियाणा हिमाचल प्रदेश से दिल्ली है नॉर्थ वेस्ट में, उत्तराखंड नेपाल है नॉर्थ में, बिहार ईस्ट में, मध्य प्रदेश है साउथ में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रार ने कश्मीरी केसर को कौन सा टैग प्रदान किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीआई टैग। जीआई टैग का फाइल फुल फॉर्म बताते हैं आपको, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। ये केसर कश्मीर के कुछ इलाकों में उगाया जाता है, जिनमें श्रीनगर, पुलवामा, वड़गाम और किश्तवाड़ शामिल है। कश्मीरी केसर के लिए आवेदन जम्मू और कश्मीर सरकार के कृषि निदेशालय द्वारा शेर ए कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर और केसर रिसर्च स्टेशन हिंसू पंपोर के सहयोग से दायर किया गया था। इस कश्मीरी केसर की अनूठी विशेषता इसके अधिक लंबे और मोटे धब्बे, प्राकृतिक गहरा लाल रंग का धब्बा, उच्च सुगंध, कड़वा स्वाद, रासायनिक मुक्त प्रसंस्करण और उच्च मात्रा में स्वादित क्रोकीन यानी कि रंग की ताकत और प्रिकोक्रोशिन करवाहट है। क्रोशिन की उच्च संदता के कारण कश्मीरी केसर गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये कश्मीरी केसर। चलिए चलते हैं आज के स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पांड्यों का राज्य प्रतीक था? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, फिश यानी कि मछली। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ई बुक प्रोफेसर पीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कल्चरल मिनिस्टर यानी कि सांस्कृतिक मंत्री। सांस्कृतिक मंत्री बात करते हो प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में 1 मई 2020 को वन नेशन वन राशन कार्ड प्लेटफॉर्म में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश जोड़े गए? इसमें आपको राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। चलिए ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK Smart Study को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।